हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, यानी कि चैप्टर थर्ड होगा क्लास 12 जेई और एनडीए सभी के लिए काफी वैल्यूबल इंपॉर्टेंट होने वाले लेक्चर। इसके अंदर हम बेसिक ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस होता क्या है, इसमें रो और कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बनाएंगे, फिर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी हम इसमें करने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन, इतनी को लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं होगी। देखो, मान लो मेरे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है और इसके अंदर ही जो मैं नंबर लिख रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। बच्चों, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो नंबर्स हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स हैं, और अगर हम उन नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म देख रहा, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दे, रेक्टेंगुलर अर्रे या स्क्वायर अर्रे की फॉर्म में अगर हम नंबरों को अरेंज कर देते हैं, तो उससे हमें क्या मिले, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स आप कह सकते हो कि भाई टेंजर या वेक्टर भी हो सकता है, इसे आप वेक्टर भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा वेक्टर को हम अलग तरीके से डील करेंगे। ओके, जो वेक्टर है वो भी कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर, मैट्रिसेस कह सकते हो कि ये अलग अलग फॉर्म है मैथमेटिक्स में एक ही चीज को पढ़ने का, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट को पढ़ने का तरीका यहाँ पे अलग है, इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे हम अलग करेंगे, लेकिन आपने वो ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो, ऐसी बात नहीं है, बस तरीका थोड़ा चेंज हो गया, कुछ नई चीजें एडवांस आ गई है, ठीक है भाई। इसकी वेरियस एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में इसका यूज होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो अर्रे होता है, फिर यहाँ पे जितनी भी जो एक्सेल सीट वगैरह सब बनती है, जो भी कॉमर्स में अकाउंट्स वगैरह में भी इसका बहुत यूजफुल है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे इसका जो यूज होता है, जो वेरियस कंप्यूटर कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में इसका यूज किया जाता है, बड़े बड़े जो यहाँ पे एक्चुअली आप कह सकते हो लार्ज डाटा जो होते हैं, जिनमें काफी मतलब जनरलाइज फॉर्म होते हैं, उसको हम मैट्रिक्स के थ्रू ही डील करते हैं। इट्स अ हायर थिंग, आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, जब अगर आप डील करोगे इससे। तो यानी कि हम जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, इसकी जो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स में रो कॉलम और इसका ऑर्डर क्या है, ये सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिक्स एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है इन द रेक्टेंगुलर अर्रे, इतना समझ लेना, यही बात आपको दिमाग में बैठानी है। अब देखिए, मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, ये हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई भी अगर मैट्रिक्स होगा हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। यहां पे जो ए आई और जे, ये क्या है, जे है, ये ए आई जे आप कह सकते हो, ए आई जे, इसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, ओके। इसको आप पढ़ोगे कैसे, रीड करने का तरीका बता रहा हूं, इसको आप ऐसे पढ़ना, आई एथ रो, आई एथ रो, क्या पढ़ोगे, आई एथ रो का जे एथ एलिमेंट, क्या पढ़ोगे, आई एथ रो का जे एथ एलिमेंट, आप इसको पढ़ोगे, यानी आईएथ रो का जेथ एलिमेंट क्या है, आप इसको ऐसे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं A23, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। अब देखो, सेकंड रो का मतलब दूसरे रो में, अब रो क्या है, कॉलम क्या है, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मतलब ये भाई जो पहला वाला आई है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, कॉलम को। तो आप A23 को कैसे पढ़ोगे, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, आप ऐसे पढ़ना, ठीक है। तो आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हो, जैसे मान लो A32 है, आप इसको कैसे पढ़ोगे, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट। अब देखिए, यहां पे रो और कॉलम का मतलब क्या है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल, ऐसे हॉरिजॉन्टल में जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल में, जैसे हॉरिजॉन्टल में हो गया है ना, ये भी हॉरिजॉन्टल में,
जो हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट्स लाई कर रहे हुए हैं, ठीक है, और कितने ऐसे हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, उसे आप क्या बोलोगे, रो बोलोगे। तो मतलब यहां पे जो m और n है, m यहां पे क्या है, m यहां पे नंबर ऑफ, m यहां पे नंबर ऑफ रो होता है, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल, एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। और n यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स इन द कॉलम, एलिमेंट्स इन द कॉलम। तो देखो n का मतलब रो में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, n का मतलब जो कॉलम में जो एलिमेंट्स है, आप ही देखना कि रो और कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ रो मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बनी हुई है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी जो m बाई n है ये हमें देता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या देगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, इसको आप m क्रॉस m गुणा m इंटू n नहीं पढ़ोगे, इसको आप m बाई n पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, m बाई n पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, m बाई n करके रीड करोगे आप इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो m है यहां पे वो क्या है, नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो मतलब यहां पे कितने रो आपको दिख रहे हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल में बिछे हुए एलिमेंटों की लाइनें कितनी है, एक दो और तीन, मैं नंबर्स एलिमेंट्स कितने उसकी बात नहीं कर रहा, यहां पे एलिमेंट्स कितनी लाइनों में ऐसे बिछे हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो हॉरिजॉन्टल आप देख रहे हो ऐसे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट, ये जो एलिमेंट्स है कितने ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज है, हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है, उसे हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ओके। और कॉलम किसको हम बोलेंगे, यहाँ पे जो वर्टिकल है यानी अप टू डाउन, अप टू डाउन यहाँ पे कितने इस तरीके से कॉलम बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक दो और तीन, तो भाई तीन रो और तीन कॉलम बन रहा है इसका, है ना। तो यानी लेफ्ट अप टू डाउन जितना भी आप देख रहे हो ऐसे कॉलम बन रहे हैं, इसको हम कॉलम बोलेंगे, वर्टिकल इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम नंबर ऑफ कॉलम यानी एलिमेंट्स इन द वर्टिकल लाइन, आप ऐसे पढ़ना इसको, एलिमेंट इन द वर्टिकल लाइन करके पढ़ना, एलिमेंट्स इन द वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन में यानी वर्टिकली जो एलिमेंट अरेंज है, ये कितने ऐसे लाइन में अरेंज है उसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम पढ़ेंगे। तो देखिए तो यहां पे जो i और j है इनकी वैल्यू होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी एक नेचुरल नंबर होता है, ध्यान रखना है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1, 2, 3 से स्टार्ट होगा। अब यहां पे जो m बाई n है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यानी ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर हम देखें यहां पे तीन रो है, कितने रो है इसके अंदर, इसमें टोटल तीन रो है ना, तीन ऐसे रो हैं, एक दो तीन, तीन रो हैं इसमें, यानी कि थ्री, और कॉलम कितने, एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हम A3x3 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हो, या हम बाहर यहाँ पे 3x3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना ऐसे छोड़ दो, नॉर्मली ये ऐसे भी ठीक है रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये स्टैंडर्ड तरीका है इसको लिखने का, मैट्रिक्स को लिखने का। अब इसमें हम देखते हैं भाई इसके आगे क्या है, अब देखो यहां पे हमें अब जो दूसरी चीज इसमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए आपको, वो है कि एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे देखें हम, ठीक है, एलिमेंट की पोजीशन कैसे देखें। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स दे देता हूं 3, 5, 6, 2, 6, 9 और आपसे बोलू कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो आप क्या बोलोगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, भाई दो रो है इसमें, है ना, कितने रो हैं इसके अंदर, दो रो हैं, तो दो रो है तो दो, तो ये हो गया, और कॉलम कितने दिख रहे हैं, एक दो तीन, जो वर्टिकल में एलिमेंट्स हैं उसमें देखो कितने ऐसे कॉलम बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया,
टू बाई थ्री हो गया सिंपल, राइट। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, तो आप बोल दोगे सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो, टू थ्री जो सिक्स, तो टोटल इसके अंदर सिक्स एलिमेंट है, गिन लो चाहो तो एक दो तीन चार पांच छह, छह एलिमेंट्स इसके अंदर टोटल है। अब आपसे अगर बोला जाए कि भाई बताइए कि ए टू वन, ए वन थ्री, ए टू टू, इन सारे एलिमेंट्स के बारे में बताइए भाई, ये कौन से एलिमेंट्स है, तो ए टू वन का मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो का है ये, सेकेंड रो है पहला एलिमेंट ही हो गया, है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मतलब टू हो गया। ए वन थ्री का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, तो पहला रो तो ये हो गया और तीसरा एलिमेंट एक दो तीन ये हो गया, ये क्या हो गया ए वन थ्री, ठीक है। ए टू टू का मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, भाई दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट ये होगा, है ना, ये सेकेंड रो है और ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पे बताना है ये जो इसकी जानकारी आपको ऐसे पता होना चाहिए कि भाई सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होगा वो आपको रो बताएगा, यानी उस रो में है, और जो सेकेंड जो उसका सेकेंड वाला जो एलिमेंट है जो आई और जे है, आई हमें रो बताता है और जे क्या बताएगा, कॉलम, यानी किस उस रो में किस कॉलम में जाके वो एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। तो आपको ये दो तीन बेसिक बातें पता होनी चाहिए जब भी आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स से डील कर रहे हो। बड़ा सिंपल और आसान प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है, सभी का फेवरेट होता है और इसमें हर किसी के पूरे नंबर आ जाते हैं, कुछ नंबर कटता भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। सेम डिटरमिनेंट में भी आ जाता है, डिटरमिनेंट में लोग 4.2 में रोल जाते हैं कई बार, क्योंकि उसमें एलजेब्रा कुछ ज्यादा भरा हुआ है, बस इतनी है। बाकी मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजीएस्ट वे में हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स की इसी में। देखो ये तो बात हो गई यहां पे मैट्रिक्स के ऑर्डर की, ठीक है, आईएथ रो जेथ कॉलम, रो कॉलम की बात होगी, जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज है, जितनी वैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी वो उसके कॉलम रो हो जाएंगे, और जितने वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे वो वर्टिकल जो लाइनें होंगी वो सारे कॉलम हो जाएंगे, है ना। तो ये तो बात होगी यहाँ पे मैट्रिक्स के ऑर्डर, ठीक है, रो और कॉलम की। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कराने से पहले कुछ चीजें और हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यही करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है यहां पे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम, रो मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर रो मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरीके से रो मैट्रिक्स होते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, सो ऑन ए वन एन, ठीक है, वन बाई एन आप कह लो। ये क्या कर दिया सर, इसमें केवल एक ही रो होगी। क्या होगी इसमें, केवल एक ही रो होगी। रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली वन रो, ठीक है, वन रो होगी इसके अंदर। ऑर्डर क्या होता है इसका, इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है वन बाई एन। इसका ऑर्डर क्या होगा, वन बाई एन, यानी एक रो होगा और एन कॉलम होता है। कितने होते हैं, एन कॉलम, एक रो होगा। ओके, अगर आप इसको जनरलाइज तरीके से लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए ए वन जे करके आप लिख सकते हो इसको, ए वन जे करके लिख सकते हो, ठीक है, और वन बाई एन इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यानी कि रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा और इसमें एन कॉलम हो सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दू आपको तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे 3 5 7, ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आप देख सकते हो, इसमें एक रो है केवल और यहाँ पे तीन कॉलम बने पड़े हैं, वन बाई थ्री का ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वन बाई थ्री हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। सेकेंड जो मैट्रिक्स आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। यस, मैं सही बोल रहा हूं, कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर आप सही सुन रहे हो। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर केवल एक कॉलम होगा, ठीक है, ओनली इसमें जो होगा ओनली वन कॉलम, ठीक है, केवल एक कॉलम होगा और यहां पे जो m है m रो होंगे,
ठीक है, एक कॉलम और m रो होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू यानी a वन वन, a टू वन, a थ्री वन, a फोर वन एंड सो ऑन एंड सो ऑन आप कह सकते हो। तो यहां पे जो एम वाई वन का ये ऑर्डर होता है, जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें केवल एक कॉलम होती है और इसमें m रो होते हैं। कितने होते हैं, m रो होते हैं इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल लू, ऑर्डर तो यही हो गया, ऑर्डर क्या हो गया इसका, एम वाई वन हो जाएगा। और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, सपोज ये वाला एग्जाम्पल है पांच चार माइनस पांच, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, थ्री बाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही कॉलम होगा, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, हम कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। नोट कर लो, अगला जो है इसके अंदर तीसरा वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम पढ़ते हैं। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि भाई इसमें m और n दोनों बराबर नहीं होते। क्या होता है, m और n दोनों इसके अंदर बराबर नहीं होगा, ये पहली बात इसमें है। यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म की होगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या वो इस फॉर्म का हो, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये दो जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो जस्ट ये एक आध दो एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जाम्पल लिमिटेड है, एग्जाम्पल कभी लिमिटेड नहीं हो सकते भाई। ठीक है, एग्जाम्पल कभी भी लिमिटेड नहीं हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, माइनस फोर, माइनस थ्री और टू, ठीक है, एग्जाम्पल कभी भी लिमिटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे के सारे जो है क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें आप देखना कॉलम और रो बराबर नहीं है, कॉलम और रो बराबर नहीं है। अगर कॉलम और रो बराबर हो भी जाता है तब क्या रेक्टेंगुलर नहीं होगा सर, तब भी रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट नेम आप लोगे, जब किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाती है तो आप उसको रेक्टेंगल नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो, स्क्वायर बोलते हो। तो अगर रेक्टेंगल में, यानी अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाता है, तो वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इन सबका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, दो दो कॉलम है, सॉरी दो रो है और तीन ऐसे कॉलम हो गए, है ना, दो रो और तीन कॉलम, तो ऑर्डर टू बाई थ्री। इसमें क्या होगा, तीन रो और दो कॉलम, तीन रो और दो कॉलम हो गया। इसमें बच्चों ऐसी है, टू बाई थ्री का ऑर्डर और थ्री बाई टू का ऑर्डर, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रहे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का होता है जिसमें जो यहाँ पे लेंथ और जो कैसे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, इक्वल नहीं होते इसके अंदर। फोर्थ जो है इसके अंदर वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आप कह सकते हो कि भाई कम से कम जो भी 95% क्वेश्चन जो होंगे ना वो इसी से रिलेटेड होंगे, 95%, 5% में कहीं का तुच्छे मुच्छे सवालों में आ जाए तो आ जाए, बात अलग है। ठीक है, हालांकि 95% आप स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डील करने जा रहे हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इसके अंदर बराबर होगा। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, ये दिमाग में बैठा लो बात, और पूरे जो आप फोर्थ चैप्टर तक पढ़ोगे डिटरमिनेंट तक, वहां तक ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, एम रो हो गया, एन कॉलम हो गया। ठीक है, एम रो और एन कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ ऐसे होता है, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा था बच्चों, जो पहला। ठीक है, अभी मैं एक बात और बताता हूं आपको, मैं रुको, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, देखिए इसमें क्या है, जितने रो हैं, एक दो तीन, तीन रो हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम है भाई, ऐसे जैसे आप लिखते हो ना पेपर पे, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वो रो में आप लिखते हो, आप रो में लिखते हो, और जब जब आप लाइन स्विच करते हो दूसरी लाइन पे आते हो, तो आप कॉलम वाइज लाइन पे स्विच करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो वैसे इसमें भी होता है बच्चों, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये सारे रो हैं। अब देखिए इसमें जो है,
ये जो मैंने लिखा है A11, A12 और ये A11, A12 इस तरीके की फॉर्म में जो मैं लिख रहा हूं, बच्चों ये स्टैंडर्ड तरीका है मैट्रिक्स को लिखने का, ये स्टैंडर्ड तरीका है मैट्रिक्स को लिखने का। आप अगर शुरू में मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हो स्क्वायर रेक्टेंगुलर, तो उनके एलिमेंट्स को आप ऐसे ही डिफाइन करोगे और बिल्कुल यहीं पर ऐसे ऐसी जगह पे ही सारे एलिमेंट आपको लेने हैं। ठीक है, जब हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, कोई एक हमें फंक्शन दिया होगा, मैट्रिक्स का भी फंक्शन दिया होता है, जो मैट्रिक्स का फंक्शन दिया होगा और जब हम उससे कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे 2x3, 1x3, 4x5 किसी भी प्रकार का, तो उसमें आपको पहले इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके सारे एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हो गया हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या होता है कि भाई 3x3 का मैट्रिक्स है, क्या है 3x3 का, क्या सर 2x2 का भी होता है? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं इससे। 2x2 का मैट्रिक्स ही हो गया, ठीक है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ऐसे 4x4 का भी होता है, 5x5 का भी, 6x6 का, n/n का, m/n का भी हो सकता है। ठीक है, m/n मतलब दोनों बराबर ही हो गए एक तरह से। तो मतलब आप ही कह सकते हो कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। क्या बराबर होगा? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा। बात आई समझ में? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं सर, एग्जाम्पल दे दो इसका, हमें तो अभी एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये बच्चों इसका यार ऐसे हो जाएगा, कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी अपने दिमाग में जो भी आता है भाई, कुछ भी लिख दो इसमें, एग्जाम्पल में कुछ वो खास नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आगे की मैं मैट्रिक्स डिफाइन करने जा रहा हूं, इसी के बेसिस पे मैं आगे की मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा कि और मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है ये? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या पढ़ेंगे इसको हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, इसका एक नाम और है यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले ना एक मैट्रिक्स और था, वो मैं बताता हूं पहले, ये हम बाद में करते हैं। ये पांचवा मैट्रिक्स यहां पे डिफाइन करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे डायगनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे हम? डायगनल मैट्रिक्स। होता क्या है डायगनल मैट्रिक्स का? मतलब कि जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगनल एलिमेंट्स। अभी सर डायगनल क्या होता है? ये डायगनल हम कैसे बताएंगे? हमारे तो स्क्वायर में दो डायगनल होते हैं ना, स्क्वायर रेक्टेंगल में दो डायगनल होते हैं, तो यहां पे डायगनल क्या होगा? देखो, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, डायगनल का मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा AII, ठीक है, AIJ, ठीक है, और इसमें वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, AIJ, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है, आई इज नॉट इक्वल टू J, देन यहां पे ये जीरो हो जाएगा, और वन कोई भी एलिमेंट AII, इफ आई इक्वल टू जे। अच्छा, ये समझो इस बात को, ये क्या लिखा है, मैंने दोबारा लिखता हूं, जो जीरो होता है इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, और ये क्या हो जाएगा यहां पे AII, इफ आई इज इक्वल टू जे। तो डायगनल एलिमेंट में, यहाँ पे जो डायगनल मैट्रिक्स होता है इसमें केवल डायगनल एलिमेंट ही होंगे और उसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक बात और, जो डायगनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप वो डायगनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है किसी भी डायगनल मैट्रिक्स का। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं A11, ठीक है, 0 0 0, A22 0 0 0, A33। तो डायगनल हमेशा ऐसे लेट करोगे बच्चों, ये डायगनल हमेशा इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये डायगनल नहीं होगा, कहीं आप सोचोगे ये डायगनल होगा, ये डायगनल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा डायगनल ये वाला लोगे,
यही डायगनल मैट्रिक्स होते हैं, केवल इसमें डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। सो डायगनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, ठीक है। सो डायगनल एलिमेंट्स होगा, इसके अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ध्यान रखना डायगनल एलिमेंट्स ही आपको कंसिडर करना है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसके ऊपर नीचे सब जीरो होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ये यार इसको हम प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। बस दो, हालांकि दो डायगनल है लेकिन जो मेन डायगनल है वो यही है बस, ठीक है। ये वाला डायगनल नहीं लिया जाता, हमेशा यही वाला डायगनल आप देखोगे, ओके। कभी भी अगर मैट्रिक्स निकालो, डायगनल मैट्रिक्स की बात करो, डायगनल केवल यही वाला होगा जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है नीचे की तरफ क्रॉस में। क्या सर टू बाई टू का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टू बाई टू का ए वन वन, ए टू टू, जीरो और जीरो, है ना। तो ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। अब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम अगर इसको बी कह देता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डायगनल हो गया डायगनल ए। तो डायगनल ए अगर मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, मैट्रिक्स ए को अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा डायगनल, डायगनल ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ऐसे हम कॉमा लगा सकते हैं। हालांकि इनमें कहीं पे भी कॉमा नहीं आएगा, बच्चे कई बार मैट्रिक्स के अंदर कॉमा लगाना शुरू करते हैं या ऐसे लाइन लगा देते हैं, तो लाइन कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ओके। ऐसे जो बी मैट्रिक्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डायगनल ए वन वन और ए टू टू, ठीक है। तो आप ऐसे डायगनल मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिडन बात है बच्चों, ये समझना जरूरी है। जो आपके एक एक नंबर के सवाल बनेंगे ना, वो यहीं से बनते हैं, यहीं से एक एक नंबर के सवाल बनते हैं कि भाई क्या डायगनल मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कैसा होगा, ऐसे जब बोलते हैं ना, तो भाई उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स आना चाहिए, ध्यान रखना, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, किस पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा आपको, तो एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, बट ले लो फिर भी एग्जाम्पल देता हूँ, 3002, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले लो, 1102, सॉरी जीरो और जीरो वन जीरो और जीरो 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 वन, ठीक है, ऐसे भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नाम में आपको दिख रहा है एक, ये मैट्रिक्स का एक है, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का वन है वो ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, आप ऐसे समझ लो मैट्रिक्स का एक, मैट्रिक्स का जो एक गिनती में होता है ना, गणित में एक एक होता है, ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स का गणित वाला एक ये है, ठीक है, इसे मैट्रिक्स का एक बोलेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, आई, आई से लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, आई। अब यहाँ पे तो आई वन भी हो सकता है इसमें, आई टू भी हो सकता है इसमें, आई थ्री भी हो सकता है इसमें, आई फोर भी हो सकता है इसमें। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, एक तरह से डायगनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है ये, डायगनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स होगा, और जिसमें डायगनल एलिमेंट्स, जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, डायगनल एलिमेंट्स वन के बराबर होगा, किसके बराबर, एक, एक के बराबर होगा। जैसे आई वन, इसका मतलब इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। अभी बताऊंगा इसका ये मतलब क्या है, सिंगल टन लिख देता हूं, चलो सिंगल टन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको हम, सिंगल टन मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आई टू का मतलब टू बाई टू, ये मतलब दो बाई दो का मैट्रिक्स हो गया। आई टू का मतलब टू बाई टू का मैट्रिक्स हो गया, यानी वन जीरो जीरो वन, यानी टू बाई टू का यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थ्री का मतलब हो गया थ्री बाई थ्री का, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ऐसे हो जाएगा। आई फोर का मतलब चार बाई चार का स्क्वायर मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो 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 एंड वन, ओके। ये सारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिनके डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट, डायगनल एलिमेंट क्या होंगे, वन होंगे, सारे डायगनल एलिमेंट इसमें वन होगा, ये ध्यान रखना। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, जहां इनवर्स निकालेंगे, जहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वहां पे इसी मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, ध्यान रखना, ठीक है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो बाई दो ऑर्डर का, वन जीरो जीरो वन, तीन बाई तीन ऑर्डर का, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन होगा, ठीक है। तो ये चार बाई चार का नहीं है सिलेबस में, ये मैंने लिखवा दिया, बट ये है नहीं, आपके पास तीन है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी आप कहीं नहीं यूज करने वाले, हाँ इन दोनों का यूज आप बहुत यूज करोगे, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स,
उसका यूज करोगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही समझ आ गई कि भाई जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो आइडेंटिटी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो यूनिट मैट्रिक्स डिफाइन नहीं हो सकता। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो वन के बराबर होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स में जीरो हो जाएंगे। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। नल का मतलब जीरो, मैट्रिक्स का जीरो है ये मैट्रिक्स का जीरो है। ठीक है, वो मैट्रिक्स का एक था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का जीरो कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का जीरो, इसे हम मैट्रिक्स का जीरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का जीरो, नल मैट्रिक्स। और इसको हम क्या पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, हम जीरो मैट्रिक्स। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, और इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें, जीरो 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 जीरो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और सारे एलिमेंट इसमें क्या होने चाहिए, जीरो। हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये कोई भी हो सकता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों का ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2x2 ऑर्डर का है और एक 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गए, जिसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है वो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, सीबीएसई में यही तक है, सीबीएसई के सिलेबस में यही तक मैट्रिक्स है ओनली। और जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी थोड़ा जानना जरूरी है, हालांकि आप लोग भी जान लेना सीबीएसई वालों। जब आप पढ़ते हो ट्रांसपोज, ठीक है, और क्या कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हो, उसके अंदर स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप पढ़ते हो। ठीक है, जब आप वहां डील करोगे वहां पे भी इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। हालांकि कहीं बुक के अंदर जिक्र नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके का जो ये फॉर्मेट बन रहा है क्यों बन रहा है। ठीक है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी मैं बेसिक बता देता हूं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है, अपर और आप लोअर कह सकते हो, अपर और लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, अपर और लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, अपर और लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, यानी डायगोनल एलिमेंट के नीचे या ऊपर किसी भी एक तरफ, ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, एक तरफ एलिमेंट रहते हैं, बाकी डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे एलिमेंट जीरो होंगे या नीचे सारे एलिमेंट जीरो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं, बताता हूं एग्जांपल। जैसे मान लो ये मेरे पास है A11, ठीक है, 0 0 0, A22 एंड इसको मैं कुछ इसको भी जीरो कह देता हूं, और ये हो गया कुछ मेरे पास A31 A32 और A33। ऐसे मैंने एग्जांपल ले लिया सपोज, और इसको मैं बोल दिया मैंने A21 ऐसे करके। अब देखो यहां पे आप देख सकते हो ये क्या है हमारे पास, ये डायगोनल है ना, ये क्या है, ये डायगोनल है। इस डायगोनल के नीचे तो एलिमेंट नॉन जीरो है, लेकिन इसके ऊपर सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। एक तो ये हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो A11 A12 A13, ओके, और उसके बाद यहां पे 0 A22 A23 और 00 A33, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखिए यहां पे ट्रायंगल कहां बन रहा है, नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अबव सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, या प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो अगर एलिमेंट्स नॉन जीरो है, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बन जाएगा, ओके, और इसके ऊपर जो डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही इसको देखो आप, ये कैसा बन रहा है, ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके।
तो दो तरह के ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जहां पे डायगोनल एलिमेंट के लोअर और अपर, और बोल रहा हूं ओ आर वाला इंग्लिश वाला या, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर या नीचे एक तरफ कहीं पे भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट अगर जीरो है तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसमें एक ट्रायंगल जैसा कुछ बनता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल देखो ऐसे कुछ 302, ठीक है, 3021 एंड 005 और -3, -4, 0, 5, 3, 0 यहाँ पे एंड 2 और इसके बाद यहाँ पे आप ये कह दो 5, इसको भी हम ऐसे ले लेते हैं, ये 0 है और 4 एंड 3 -4, क्या बता सकते हो किस तरीके का ये मैट्रिक्स है, कौन सा लोअर कौन सा अपर है, मतलब कौन सा लोअर कौन सा अपर है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है ऊपर की तरफ बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा इसमें एक पॉइंट और नोट कर लेना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरीके से निकालोगे n-n1/2। n यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अगेन ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो स्क्वायर होना कंपलसरी है, तो जितने भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका स्क्वायर होना कंपलसरी है। ओके, ये नंबर ऑफ मिनिमम जीरो होने चाहिए किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, अगर इससे मिनिमम इससे कम जीरो नहीं हो सकते, इतने जीरो होने ही चाहिए आप ये कह सकते हो, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आप कह सकते हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इतने से काम चल जाता है, फिर भी मैं एक दो मैट्रिक्स और बताने जा रहा हूं, जैसे है सब मैट्रिक्स, जो नेक्स्ट है इसके अंदर सब मैट्रिक्स है, जैसे आप सब सेट पढ़ते हो ऐसे यहाँ पे सब मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है A11, मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा, 4, 5, 6, 4, 3, 8, 9, ओके, और -4, 3, 2 और 9। अब आपसे बोला इसका इसमें सब मैट्रिक्स बताओ, देखो इसमें कई सारे सब मैट्रिक्स है, मतलब आप कोई भी छोटा सा मैट्रिक्स उठा लो, ये उठा लिया, ठीक है, आपने ये उठा लिया, तो आप जो ये स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हो ये सारे क्या है, इसके सब मैट्रिक्स है, क्या ये इसके सब मैट्रिक्स आप कह सकते हो, 3, 4, 4, 3, ठीक है, इसके सब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, एस टी लेट कर लो, ये दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे 8, 9, 2, 9, ठीक है, सब मैट्रिक्स होते हैं, जो मैट्रिक्स का हिस्सा हो, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स के अंदर का ही पार्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं सब मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो एक आखिरी मैट्रिक्स है, बस इसे और देख लो, ट्रेस मैट्रिक्स, इसे हम टी आर ए भी लिखते हैं, ट्रेस मैट्रिक्स, ओके, टी आर ए भी लिखते हैं इसको हम, ट्रेस मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। होता क्या ये, ट्रेस मैट्रिक्स का मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3, 0, 0, 0, 4, 5, 6, 3, 0, 0 एंड 2, ये कोई एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रेस निकालोगे आप, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 3+4+2 कितना आ जाएगा, 3, 4, 7, 2, 9, ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए, तो ये तो था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है उसकी डेफिनेशन, अब लगाते कुछ सवाल, ठीक है, ऑर्डर वगैरह ये सब क्या होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं, 12th क्लास की पार्ट 1 मैथमेटिक्स है ये, एक्सरसाइज चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जो सीबीएसई के बच्चे हैं जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ रहे हैं, प्लीज बुक अपने साथ जरूर रखें ताकि आप बुक के अंदर क्वेश्चन पढ़ सको, रीड कर सको और हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। हालांकि मैं लिखवाऊंगा, बट हो सकता है कोई बहुत सारे लंबे क्वेश्चन हो, मैं उन लंबे क्वेश्चनों को ना लिखवाऊं। अच्छा, बीच में एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, अभी फिलहाल तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये दे रखा है 3 पॉइंट एक्सरसाइज में, यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे दिया आपको और पूछा गया है कि भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, टोटल कितने एलिमेंट है मतलब, और ये एलिमेंट लिखने हैं आपको, ठीक है, इन एलिमेंट्स की बताने कौन कौन से एलिमेंट है ये। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, यहाँ पे टोटल कितनी रो है इसमें, 1 2 3, तीन रो हो गई, ध्यान से देखो भाई 1 2 और 3, तीन रो है, कॉलम कितने, 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो रो मिलेगी और अप टू डाउन जाओगे तो कॉलम आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे 4 कॉलम है ऐसे करके 1 2 3 4, 4 कॉलम और 3 रो हैं, तो ऑर्डर क्या हो गया 3/4, पहले क्या लिखते हैं हम, रो लिखते हैं, रो बाय कॉलम है ना, रो बाय कॉलम होता है, एम बाई एन, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, गिन सकते हो या इनको गुणा कर दो, 3 चौक 12, टोटल इसमें 12 एलिमेंट है, गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब पूछा राइट द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के, इन एलिमेंट्स को लिखना है, ये एलिमेंट्स कौन कौन से है, A13, इसका मतलब क्या है, पहले रो का तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, क्या पढ़ोगे आप, फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो ये है, तीसरा एलिमेंट 1 2 3 19 है ना, ये 19 हो गया, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो है और पहला एलिमेंट 35 है इसका, ठीक है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो ये रहा और तीसरा एलिमेंट ये रहा -5, सेकंड रो का फोर एलिमेंट, भाई सेकंड रो ये है और फोर्थ एलिमेंट 12 हो जाएगा है ना, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो ये रहा और तीसरा एलिमेंट ये हो जाएगा, यानी 5/2, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट क्वेश्चन था, ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, बड़ा आसान है, आप देखो 24 के ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकते हैं, मतलब किस किस के टेबल में 24 आता है, जैसे एक के टेबल में 24, तो भाई एक रो और 24 कॉलम हो सकती है, 24 कॉलम एक रो हो सकता है, 2 कॉलम 12 रो हो सकती है, सॉरी 2 रो 12 कॉलम हो सकती है, और 12 कॉलम 2 रो हो सकती है, भाई 3 रो 8 कॉलम हो सकती है, या 8 रो 3 कॉलम हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, इस तरीके से ऐसे 4 रो 6 कॉलम हो सकती है और 6 रो 4 कॉलम भी हो सकती है, तो ये सारे क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है, क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर है जिसके टेबल में 24 आता हो, नहीं ना, एक के टेबल में आ गया, 2 के में आ गया, 3 के में आ गया, 4 के में आ गया, ठीक है, और इन्हीं का उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन्होंने एक और ऐसी इसमें सवाल दे रखा है, अगर इसमें 13 एलिमेंट्स हुए तब इसमें ऑर्डर क्या होगा, तब यहां पे पॉसिबल ऑर्डर क्या है, क्या है पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर 1/13 और 13/1 है ना, भाई 1 रो 13 कॉलम 13 कॉलम 1 रो हो सकता है, ओके। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, ऑर्डर के ऊपर था ये सवाल, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है अक्सर। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसे ही है, तीसरा क्वेश्चन, 18 एलिमेंट है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, तो 18 एलिमेंट में क्या हो सकता है, एक रो 18 कॉलम 18 कॉलम 1 रो, ठीक है, 2 रो और 9 कॉलम 9 कॉलम 2 रो, ठीक है, ऐसे 3 कॉलम 6 3 रो 6 कॉलम और 6 रो 3 कॉलम भी हो सकते हैं, है ना, और भी कोई पॉसिबल इसमें है संख्याएं, नहीं है। अब पूछा है अगर से 5 एलिमेंट हो तब क्या होगा, भाई 5 एलिमेंट के लिए 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है, क्या क्या, 1/5 और 5/1, यानी 5/1, ओके। तो ये हो गया आपका सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल ही वार्म अप एक तरह से ये। अक्सर यहां से एक नंबर से 3 नंबर तक का सवाल बन जाता है, बिल्कुल 3 तक बन जाता है, ऐसी बात नहीं, ऑफकोर्स इसी में से 1 से 3 नंबर का बन जाता है, लेकिन बीते कुछ सालों में 1 नंबर का ही सवाल आ रहा है, यहां से एक कंपैरिजन वाला सवाल आ जाता है, भाई एक्स वाई जेड निकाल लो, ठीक है, या फिर ऑर्डर वर्डर पूछ लेते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन,
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 की मैट्रिक्स। क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स हमें इस तरीके से दे रखा है, ए इक्वल टू ए आई जे, ऐसे करके दे रखा है। देखिए ये है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन वाला सवाल, इसमें हमें पहला सवाल दे दिया। देखो ए आई जे ये एलिमेंट है, ए आई जे का मतलब क्या है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट होता है ये। और समीकरण कुछ इस तरीके से, आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन में टू, इसे ही मैंने बोला था ये मैट्रिक्स फंक्शन आप कह सकते हो, यानी मैट्रिक्स का एक फंक्शन है, यानी एलिमेंट निकालने के लिए आप ये फंक्शन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सवाल है ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन में जे, और तीसरा सवाल इसमें जो है बच्चों वो दे रखा है आई प्लस टू जे, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस टू जे का स्क्वायर अपॉन में टू। ओके चलिए करें सॉल्व। सबसे पहला जो आपको काम करना है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है भाई, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले आप फ्रेम तैयार करोगे, पहले आप क्या करोगे, फ्रेम स्केलेटन मैट्रिक्स लिखोगे आप, यानी कि आप पहले मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिख लो, फॉर्मेट लिख लो भाई, क्या फॉर्मेट होगा। तो आपको ये निकालना है 2x2 का मतलब जिसमें दो रो दो कॉलम होंगे, टोटल चार एलिमेंट होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है, A11, A12, A21 और A22, ये आपको निकालना है। यहाँ पे आपको चारों एलिमेंट निकालने हैं, निकाल लोगे, आसान है, कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर देना है। पहला सवाल ले रहा हूं मैं, इसी में करना है पुट आपको, यानी A11 I की जगह 1, J की जगह 1। A11 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, I1 हो गया, J1 हो गया। तो I1 J1, तो I और J की वैल्यू यहां रख देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो 1+1 क्या हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। 1+1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का आधा 2, 1+1 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे इसमें होगा 1+2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। 2+1 2+1 का स्क्वायर यानी कि 9, 9/2 ये भी हो जाएगा। और 2+2 आई भी 2 है, जे भी 2 है, 2+2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारी जो मैट्रिक्स हो गई भाई यहाँ पे क्या होगी मैट्रिक्स, ये हो गई 2, 9/2, 9/2 और 8, है ना। सेकंड सवाल देखो, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है सेकंड वाला भी, ठीक है, सेकंड वाला भी ऐसे ही है। ए हमें दे रखा है, पहले आप फ्रेम लिखोगे, A11, A12, A21, A22, है ना, पहले आप फ्रेम लिखोगे, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट निकालना है, A11, A12, A13, सॉरी A21 और A22, ऐसे आपको निकालना है, ये सारे एलिमेंट निकालने। A11 का मतलब I1, JB1, 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/2 हो जाएगा ये, I और J की जगह ये पुट कर दोगे, पहला एलिमेंट I, दूसरा एलिमेंट J होगा, ठीक है। तो I2 और J1, 2/1, ये क्या हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 1, 1/2, 2/1 और 1। ओके, आपका आंसर क्या आता है तीसरे वाले सवाल के लिए, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि भाई आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, आपके लिए ये सॉल्व योरसेल्फ, खुद सॉल्व करना जरा, और बताना इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी ऐसा ही एक सवाल है, 5 में भी ऐसा ही कुछ करना है। देखो यहाँ पे दो सवाल है इसमें, और 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है, काफी लंबी सवाल दे रखा है। सबसे पहला फ्रेम लिख लो मैट्रिक्स का भाई, 3x4 का, इसका मतलब 3 रो और 4 कॉलम होंगे,
इसका मतलब क्या, तीन दो चार कॉलम होगा, तो कैसे लिखोगे आप, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री और ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, ऐसे करके इसमें कितने हो गए, तीन रो चार कॉलम, है ना। और ये देखो मॉडुलस है, ये क्या, ये मॉडुलस है, याद रखना मॉडुलस है ये ध्यान रखना। चलिए इस सवाल को हम करते हैं, फिलहाल मैं अभी ये वाला बताऊंगा, ये वाला आप खुद करोगे। तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, मेरा लिखने का तरीका देख लेना बस, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर। देखो पहले मैंने ऐसे लिख दिया, मैं सीधे पुट करके सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो क्या यहां पे, ये हमारे पास फंक्शन है, आई की जगह ये पहला वाला नंबर आई है, दूसरा वाला नंबर जे है, ये तो पता है ना, ये आई और जे दे रखा है भाई, आई यहां पे वन है, जे यहां पे वन है, तो वन वन अगर आप पुट करते हो, माइनस थ्री इंटू वन कितना हो गया, माइनस थ्री, और प्लस में वन कितना आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। मॉडुलस साइन है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट का साइन है, जब ये मॉडुलस साइन लग जाता है तो अंदर चाहे कैसा भी नेचर का नंबर हो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, है ना। तो माइनस टू का क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा, यानी टू और बट्टे में दो कितना हो गया, एक हो गया, समझ रहे हो। ऐसी वन प्लस टू है, यहां वन रखो माइनस थ्री, और यहां प्लस टू रखो, माइनस थ्री प्लस टू कितना हो गया, माइनस वन, माइनस वन का मॉडुलस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। ए वन थ्री, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री प्लस फोर वन, नीचे दो है तो दो आ जाएगा। ए टू वन क्या आएगा, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, यानी प्लस फाइव बाई टू। ए टू टू का मतलब माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर बट्टा दो, तो दो आ जाएगा। ए टू थ्री का मतलब माइनस सिक्स प्लस में थ्री थ्री, तो थ्री बाई टू हो जाएगा। फिर अगेन माइनस सिक्स प्लस में फोर, दो चार है तो माइनस सिक्स प्लस में फोर, यानी माइनस सिक्स प्लस फोर कितना हो जाएगा, टू, टू बाई टू कितना हो गया, वन हो गया। ओके, ऐसे थ्री वन पुट करो, माइनस नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, यहाँ पे तीन पुट करोगे आई की जगह और जे की जगह वन पुट करोगे, तीन तिया नौ, माइनस नौ जमा में एक आठ, आठ बट्टे दो चार हो गया। थ्री टू, नौ जमा में दो सात, माइनस नौ जमा दो सात, सात बट्टे दो हो जाएगा। ए थ्री थ्री, माइनस नाइन प्लस में थ्री सिक्स, सिक्स बाई टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ए थ्री फोर का मतलब माइनस नाइन और प्लस में फोर, माइनस फाइव बाई टू कितना हो गया, माइनस फाइव बाई टू, यानी कि प्लस फाइव बाई टू हो जाएगा। मॉडुलस है ना, तो प्लस में आ जाएगा। तो जो भी आंसर है यहाँ पे नेगेटिव, वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो भाई अब लिख दो इसको ऐसे, वन वन बाई टू, जीरो वन बाई टू। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद ही इसके अंदर डालते ही नहीं है। भाई मैट्रिक्स पूछा है तो मैट्रिक्स लिख के आना है, पूरा आंसर लिख के आना पड़ेगा, वरना नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ओके, ऐसे यहाँ पे फाइव बाई टू है, ये पूरी रो लिख दो जो मैंने यहाँ लिखी है, दो तीन बट्टा दो एक। तो देखो ये झंझटी खत्म, जो आप ऐसे लाइन वाइज लिखते हो ना पोर्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है, वैसा झंझटी खत्म हो गया यहाँ पे। तो वैसे मत लिखना आप बिल्कुल लाइन वाइज, एक कर एक से लेके बारह तक एलिमेंट निकाल रहे हो, फिर पुट कर रहे हो ढूंढ ढूंढ के भाई कहाँ पे, पकड़ पकड़ के डाल रहे हो उसके अंदर, तो वो नहीं करना है, वो वाला काम ही नहीं करना है। ऐसे लिखो एकदम, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन जो है यहीं पे कर दो खत्म, यही माइंड में पूरी कैलकुलेशन होगी, इतना ही है इसमें, ठीक है। जरूरी की पूरी कैलकुलेशन आप दिखाओ प्लस माइनस करके, जरूरी नहीं है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, सात बट्टे दो हो जाएगा, तीन और पांच बट्टे दो हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आप जरा करना, ठीक है, डू योर सेल्फ, ठीक है, और कमेंट कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या आ रहा है आपका आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपेयरिंग वाला है, क्या है, कंपेयरिंग द क्वांटिटीज, मतलब यहाँ पे हमें कंपेयर करके इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वेश्चन करना है। तो देखिए जरा एक बार, कंपेयरिंग में क्या होता है, यानी इसे हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, सबसे पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर के होने चाहिए पहली बात तो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होने चाहिए, यानी सेम कॉरेस्पॉन्डिंग
तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम ऑर्डर होना चाहिए भाई, ऑर्डर बराबर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है, और सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि दो मैट्रिक्स बराबर है, मान लो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3 4 5 6, तो दूसरा मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए 3 4 5 6 ही होना चाहिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर, सेम यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट दोनों बराबर होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है मैट्रिसेस यहाँ पे इक्वल है। चलो अब करते हैं इसी पे बेस्ड सवाल, बस इतना ही था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, 6 सवाल है भाई, छठा क्वेश्चन है, छठे का पहला सवाल हम करने जा रहे हैं, फाइंड एक्स वाई जेड, क्या निकालना है इसमें, हम एक्स वाई जेड निकालना है, तो 4 3 x 5, एनसीईआरटी की बुक निकाल लेना भाई, सारे सवाल वहीं से हो रहे हैं, तो वाई जेड और 1 और 5, ओके पहला तो बड़ा इजी है, छोड़ देते हैं फर्स्ट तो हम ऐसे ही लिख देंगे, सेकंड वाला भी देख लिख ही देते हैं, x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड एक्स वाई, ओके इक्वल टू 6 2 5 8, चलिए देखो ये दो मैट्रिक्स बराबर है, बराबर होने का मतलब क्या है, 4 किसके बराबर होगा y के, तो भाई 4 तो y के बराबर हो गया, राइट, x किसके बराबर होगा 1 के, ओके 5 किसके बराबर 5 के, 3 किसके बराबर हो जाएगा z के, पहले का आंसर तो ऐसे ही हो गया, कुछ नहीं करना है बस भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दोनों मैट्रिक्स के बराबर कर दो आंसर आ जाएगा, इसमें क्या करना है x प्लस वाई बराबर 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6 है ना, और दूसरे में क्या आ जाएगा 5 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 5 प्लस जेड, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा है ना, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, और यहाँ पे जो एक्स वाई है, जो एक्स वाई वो 8 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर एक्स वाई जेड, एक्स वाई 8 के बराबर होगा, तो देखिए यहां से जेड की वैल्यू सीधे आ जाएगी 0, यहां से जेड की वैल्यू सीधे आ जाएगी 0, राइट, जेड 0 आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, यहां से x की वैल्यू निकालो 8/y हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 8/y, इसको यहां ऊपर पुट कर दो, क्या करोगे यहां पे ऊपर पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा x x x की जगह 8/y पुट कर दो प्लस y इक्वल टू 6, सॉल्व कर लो इसे, यानी 8 + y² / y = 6, तो यहां पे जो y स्क्वायर हो गया किसके बराबर हो जाएगा y² - 6y + 8 = 0 हो जाएगी ऐसी इक्वेशन, गौर से देखो जरा, देखो यहां से मैंने क्या निकाला, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया मैंने, ये जो दो इक्वेशन दे रखी है, ये वाली फर्स्ट और सेकंड आप समझ लो, यहां से मैंने x निकाला 8/y, इसको मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया x की जगह 8/y, एलसीएम निकाल लो भाई, y एलसीएम आ जाएगा या y से सभी को गुणा कर दो, दोनों तरफ y से इंटू कर दो सभी को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे, यानी मिडिल स्प्लिट टर्म कर लो इसको, है ना भाई, 4 × 8 और 4 × 2 = 6 हो जाएगा, तो 4y - 2y + 8 = 0, तो y - 4 और y - 2 = 0, तो y की वैल्यू 4 और 2 आ जाएगी, है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की भी क्या आ जाएगी, जब 4 है तो भाई 8/4 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है, और अगर 2 है तो 8/2 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके, तो ये आपके आंसर है, राइट, तीसरा सवाल है इसमें, तीसरा सवाल वो भी कर देता हूं, हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड x प्लस जेड और y प्लस जेड, ये हमें दे रखा है 9 5 और 7 के, क्या करेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा 9 के, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 9 के बराबर, x प्लस जेड 5 के बराबर, y प्लस जेड 7 के बराबर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब आप इन दोनों को घटाओगे, एक और दो को घटाओ, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो x और z घट जाएगा, घट जाएंगे ये, तो y बचा, 9 में से 5 गया 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, सेम फर्स्ट में से थर्ड वाले को माइनस करो तो यहां से y और z घट जाएगा, y z कट जाएगा तो क्या बचेगा x, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, x की वैल्यू 2 आ गई, x 2 आ गई तो z कितना आ जाएगा भाई, 2 5 में से 2 गया, यानी z कितना आ जाएगा, यहां पे 2 पुट कर दो x की जगह, तो 2 वहां जाके घट जाएगा, 5 में से 2 गया 3, तो ये इसका आंसर है फाइनल, ठीक है,
अगला क्वेश्चन सेवंथ है, इसमें हमें एबीसीडी निकालना है। क्या निकालना है इसके अंदर? एबीसीडी फाइंड करना है, ठीक है। और आपको इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, ए माइनस बी, टू ए माइनस बी। लुक एट योर बुक, लुक एट योर बुक, अपनी किताबों में देखिए प्लीज, और वहां देखो ये सवाल, ठीक है, और रीड करो भाई। मैथ्स देखने से नहीं होती, मैथ्स के लिए पेन पेपर जरूरी है। बिना पेन पेपर के आप मैथ्स नहीं सीख सकते, ठीक है। रद्दिया भरना सीखिए मैथ्स अगर सीखनी है तो, जहां रद्दिया भरना सीख गए वहां पे आपकी मैथ्स अच्छी हो गई, ठीक है। और पूरा आंसर निकाला करो, आंसर बात तब देखो जब आपका आंसर आ जाए, ठीक है। मतलब जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब आपका आपको आप लोग आपको लोगे भाई आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ चुका है, तब आंसर चेक करो। अगर अगर आंसर गलत है तो शुरू से सवाल करो। मैथ्स सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसमें गलतियां मत ढूंढो, आप शुरू से सवाल करो, अपने आप गलती मिलती जाएगी। चलिए देखो, यहां पे हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स हैं भाई, दोनों इक्वल है तो a माइनस बी तो माइनस वन के बराबर हो जाएगा, है ना। टू ए माइनस बी जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन, इसे आप सेकेंड कह दो। सेम बच्चों यहां पे 2a प्लस सी किसके बराबर? 5 के। और 3c प्लस डी किसके बराबर? 3c प्लस डी 13 के। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्या करेंगे इसको घटा दो बस, माइनस प्लस माइनस, बी से बी कट गया, ए माइनस टू ए माइनस ए इक्वल टू वन। कौन सा मेथड है ये? एलिमिनेशन मेथड है। इसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, ए की वैल्यू माइनस वन, तो बी यहां पे क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू टू ए हो जाएगी, तो बी आ जाएगा माइनस टू, ठीक है। ए माइनस वन बी माइनस टू आ गया यहां पे। अब उसके बाद यहां पे क्या करना है, ए की वैल्यू यहां पे पुट कर दो थर्ड वाले में, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू प्लस सी इक्वल टू फाइव, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेवन आ जाएगी, है ना। और यहां पे अगर आप पुट करते हो, यहां पे अगर आप माइनस वन, तो ये सी की वैल्यू यानी 21 जमा में डी बराबर 13, तो डी की वैल्यू कितने? 13 माइनस 21 यानी कि माइनस 8। तो ये इसका आंसर होगा कुछ ऐसा।
देखिए एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी के तीन सवाल एमसीक्यू है। अच्छा, जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ठीक है पेपरों में वो यहीं से होते हैं। आपको देखो मैं बुक बता देता हूं कौन कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी, इनको प्रायोरिटी जरूर देना। बाकी इसके अलावा आपको जो भी बुक पढ़नी है वो बुक पढ़िए। आरडी शर्मा पढ़ना है आरडी शर्मा करो, आरएस अग्रवाल आरएस अग्रवाल करो, जो भी आपको लगता है ठीक है। अरियंत की बुक पढ़ो बेशक से ठीक है, और बालाजी की आती है विकास गुप्ता नाम की किताबें भी हैं बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल है। लेकिन फॉलो करना केवल एक ही किताब को। मैंने जो फॉलो किया था पूरी मैथ्स जो मेरी अच्छी हुई थी एकदम, वह आरडी शर्मा से। आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन जरूर बनाना ठीक है, दो वॉल्यूम है आरडी शर्मा की, पार्ट वन पार्ट टू करके बिल्कुल, तो मोटी मोटी किताबें हैं। अभी से अगर आरडी शर्मा आप बनाते हो तो आगे तक जाते जाते आपको एनसीईआरटी देखना छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी यहाँ कर लो और घर में बैठ के बस आरडी शर्मा सॉल्व करते रहो, बस सॉल्व भी करते रहो मैथ्स में, और कुछ नहीं करना, बस लगे रहो मैथ्स में ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एमसीक्यूज के सवाल है, यही से एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर आते हैं ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा है ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता कब है, जब भाई एम और एन की वैल्यू क्या हो बराबर हो, सिंपल सी बात है, तो सी ऑप्शन ठीक है, कुछ वो दोहरा ही नहीं है भाई, एम इक्वल टू एन होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है पढ़ लो। ये पूछा है यहाँ पे एक्स और वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए बराबर हो जाए। भाई दोनों मैट्रिक्स बराबर कब होगी ठीक है, किस एक्स और वाई की पेयर के लिए दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू बराबर होगी। देखो यहां पे इसको और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लो, सिंपल सा सवाल है, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7/3। यहां पे भी देखो बच्चों एक्स दिख रहा है, जरा इसको भी हम कंपेयर करते हैं, 2 - 3x = 4, ये वाला जो है एलिमेंट इस 4 के बराबर होगा, तो 3x क्या हो जाएगा -2, तो x क्या आ जाएगा -2/3। देखिए यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया कि भाई यहां पे x की दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, यहां पे x की -7/3 भी आ रही है और -2/3 भी आ रही है। भाई दो वैल्यू पॉसिबल किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन हमेशा उनकी जो वैल्यू होती है यूनिक होती है, ये ध्यान रखना ठीक है। मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगी तभी तो आएगा, तो भाई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है इनकी कोई, क्या बाइनरी सॉल्यूशन या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं हो सकते इसके, तो भाई एक्स की वैल्यू दो नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड ठीक है, नॉट डिफाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अगला सवाल काफी इंटरेस्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 1, यानी 0 और 1 से 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। क्या बोले, 0 और 1 की एंट्री से कितनी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो 3/3 की कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या निकालना है, जो नंबर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी, यस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एंट्री कितनी है 2 है ना, तो 2 की पावर टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 2 की पावर 9 कितनी होती है 512 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 512, 2 की पावर 9 का मतलब 512 हो गया, तो 512 मैट्रिक्स पॉसिबल है इस एंट्री से। आपसे मेरा एक सवाल है, अगर मैं एंट्री 0, -1 और 1 रख दूं तो 3/3 की कितनी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, जरा आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ठीक है। तो ये वाली क्लास तो यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो मैट्रिक्स को ठीक है। तो ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे, उसके बाद आपका ट्रांसपोज मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा, या इनवर्स होगा, पहले इनवर्स कराना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अगर सिलेबस में हुआ तो। जल्दी मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा, सिलेबस डिटेल में समझा दूंगा कि सिलेबस क्या है आपके 12th क्लास का ठीक है, और जेई वालों को तो पता ही है उनका सिलेबस अपलोड है वैसे भी ठीक है, वो भी मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चले टाटा बाय और मेहनत करते रहिए।